ब्रह्मांड का महादानव यानी ब्लैक होल, यह हमारे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा खतरनाक भी। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स को बाइनरी ब्लैक होल्स मिले जो 99% एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और बहुत ही जल्द वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे। हमें इससे पहले भी बाइनरी ब्लैक होल्स मिले हैं, पर इस बार दोनों ब्लैक होल्स से सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इनके कोलिशन से इस यूनिवर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इससे हमारे सोलर सिस्टम को या फिर अर्थ को कोई खतरा है। सो लेट अस नो ऑल दोस थिंग्स इन आवर टुडेज वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली यानी 23 फरवरी को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ PKS2131021 सुपरमैसिव ब्लैक होल का, जिसे एक और ब्लैक होल ऑर्बिट कर रहा है। बाद में जब इस पर नासा ने और रिसर्च किया तब उनको ये पता चला कि ये बाइनरी ब्लैक होल्स लगभग 100 मिलियन सालों से एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और ये एक दूसरे के 99% करीब आ चुके हैं और अगले लगभग 10,000 सालों में ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे। अब अगर आप ज्ञान फैक्ट्री के रेगुलर व्यूअर हो तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हमने जो ये 10,000 साल का प्रेडिक्शन किया ये आखिर कैसे किया। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स लगभग 45 इयर्स से ब्लैक होल्स और बाइनरी ब्लैक होल्स में स्टडी कर रहे हैं और बाइनरी ब्लैक होल्स हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है। हमसे लगभग 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर OJ 287 गैलेक्सी में एक बाइनरी ब्लैक होल है जिसमें सेंट्रल मैसिव ब्लैक होल का मास लगभग 18.35 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है। तो इस बाइनरी ब्लैक होल को सालों से स्टडी किया जा रहा था और इस स्टडी के दौरान साइंटिस्टों को यह पता चला कि इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को एक और छोटा ब्लैक होल ऑर्बिट कर रहा है जो अराउंड 12 साल का टाइम लेता है उस सुपर में सिर्फ ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में। तो आखिर इस 12 साल के टाइम का पता कैसे चला? स्टडी के दौरान उन्होंने देखा कि वो जो सुपर में सिर्फ ब्लैक होल है उसके डिस्क पर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद फ्लैशेस देखने को मिलता है, यानी जब वो छोटा ब्लैक होल इस सुपर में सिर्फ ब्लैक होल के डिस्क से होकर गुजरता है तभी ये फ्लैशेस हमें दिखाई देते हैं और इसी कैलकुलेशन से हमें इस ऑर्बिटल टाइम का पता चला है। लेकिन इस छोटे ब्लैक होल का ऑर्बिट स्टेबल नहीं है तो इससे हमें एक्चुअल टाइम का पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअल टाइम के कैलकुलेशंस पर लग गए और कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने कई सारे मॉडल्स भी हमें दिए, लेकिन उन मॉडल से हमें बस मंथ और ईयर का ही पता चलता है, यानी नेक्स्ट फ्लैश हमें कौन से मंथ या फिर कौन से ईयर पे देखने को मिलेगा। लेकिन तभी एक इंडियन लंकेश्वर दे, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। लेकिन यह सुनकर आप चौंक जाओगे, उनके मॉडल से हमें एक्चुअल डेट का भी पता चलता था और वो डेट था 31 जुलाई 2019। पर जुलाई 2019 को OJ 287 और अर्थ के बीच हमारा सन आ गया था। तो ऐसे में सन के ब्राइटनेस के लिए अर्थ से उस फ्लैश को देखना नामुमकिन था। तो ऐसे में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से उस फ्लैश को कैप्चर किया गया और यही मेथड यूज किया गया PKS2131021 के केस में। और इस सुपर मैसिव ब्लैक होल में हो रहे रिसर्च से हमें यह पता चला है यह सुपर मैसिव ब्लैक होल एक ब्लेजर है। अब आखिर ब्लेजर है क्या? तो ऐसे हम ज्यादा साइंटिफिक वे में नहीं लेंगे, चलिए एक आसान भाषा में इसे समझ लेते हैं। जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल कुछ ज्यादा ही मैसिव हो जाता है, यानी वो एक्सेस मैटर्स जब निगल लेता है तब वो उन मैटर्स को एक एनर्जी के रूप में इजेक्ट करने की कोशिश करता है और वो एक्सेस मैटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट के स्पीड से इजेक्ट होते हैं और इसे हम कहते हैं क्वेजार। और जब भी उन क्वेजार का डायरेक्शन हमारे अर्थ की तरफ हो जाता है तब उनको ब्लेजार कहा जाता है। अब मैंने OJ 287 वाले गैलेक्सी में जो कहा था कि फ्लैशेस के टाइम ड्यूरेशन को स्टडी करके हमें कोलिशन का पता लग सकता है, बट PKS2131021 के केस में हमें कोई फ्लैश देखने को मिला ही नहीं। तो ऐसे में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर्स ने मेथड तो वही इस्तेमाल किया लेकिन कुछ अलग तरह से। अब जब वो एक ब्लेजर है, यानी वो हमारे तरफ लाइट इमिट करता है, तो ऐसे में वो इस लाइट को ही स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि हर 2 साल के टाइम इंटरवल में उन्हें उस लाइट बीम में एक डिम देखने को मिलता है, यानी हर 2 साल में एक और ब्लैक होल इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का एक चक्कर लगाता है। तो बस और क्या, इसे स्टडी करके हमें 10,000 साल का पता चल गया। तो अब सवाल ये है कि 10,000 सालों बाद जो कोलिशन होगा उस कोलिशन में
क्या हमें कोई खतरा है? तो इसमें हमारे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस कॉलिशन से बहुत ही बड़े बड़े ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्मेशन होंगे। अब जब बहुत बड़े बड़े वेव्स होंगे तो ऐसे में उनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम और वही एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा होगा, यानी समुद्र की तरह एक लहर होगा और हमारा धरती उसमें इस तरह से तैरेगा कि हमें उन वेव्स का पता भी नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी उन ग्रेविटेशनल वेव्स से जो स्पेस टाइम में कर्वेचर बनेगा उससे हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा, यानी जहां जहां कर्व बनता जाएगा वहां वहां टाइम स्लो होता जाएगा। इंटरेस्टिंग राइट? बट इसे भी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। पर इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू होने बाकी हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेरे साथ जुड़ सकते हो और वहां आप अपने आइडियाज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।